आपके पूना के और एक मिठाई की दुकान दिखा रहे हैं, यहाँ के काका हलवाई नाम है। तो चलिए देखते हैं काका हलवाई की कैसा मिठाई है। यहाँ पर मस्जिद से दिखाते हैं काका हलवाई सामने ही है, तो सामने है काका हलवाई दुकान, बहुत ही फेमस है यहाँ के पूना के। काका हलवाई देखिए पूना के फेमस शॉप है, मिठाई की शॉप है। यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी आते हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि इतना फेमस है, महाराष्ट्र की मिठाई है, बहुत ही फेमस है। चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं ये काका हलवाई की शॉप, दिखाते हैं, विजिट कराते हैं हम आपके साथ। चलिए ये देखिए स्वीट्स, काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखिए अलग अलग लड्डू है, बूंदी है, बेसन के लड्डू है, बंगाली मोतीचूर के लड्डू है, हर एक तरह के अलग अलग लड्डू है, काजू पिस्ता वाइट, काजू कतली, काजू मन, काजू गिलोरी, ड्राई फ्रूट सैंडविच, थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी मुझे दिख रहा है, इतना वैरायटी है मैं पूछूँ मैं, इतना सारा वैरायटी आपको दिखाई देगा। फरसान है यहाँ आप दिखेंगे तो फरसान भी दिखाता हूँ, ये देखिए कितने टाइप का फरसान है यहाँ पर दिख रहा है, वैरायटी का फरसा है अलग अलग टाइप के, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो जोमेटो थ्रू भी, तो पहुँचा दिया जाएगा घर पे आपका। देखिए किसी तरह का स्वीट है, सारे पब्लिक अच्छी पब्लिक आती है, लड्डू देखिए ये बोलते हैं मोदक, यहाँ के लोग देखिए कितने बढ़िया मोदक, अच्छा कर मुंबई में भी दिखाया था मोदक, ये वैरायटी का मोदक है यहाँ, यहाँ तो उतने बड़े मोदक मुझे दिखाई नहीं दिया, ये मोदक मैंने आपको मुंबई में दिखाया था। देखे ये इतने साइज के एक बड़ा है, उससे बड़े साइज का है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मामा जी क्या ले रहे हैं, ढोकला, ये गुजरात का खाना है ढोकला, देखिए कितने वैरायटीज का, इतना सारा वैरायटी है यहाँ पर, बहुत फेमस है ये काका जी। सामने मामा जी है, देखिए मामा जी ढोकला लिए हुए तो आए हैं, तो कुछ तो लेना है। ये पेड़े का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये पेड़ा है, यहाँ पे हर तरह का पेड़ा मिलेगा आपको, पेड़ा आपको कुछ लड्डू पेड़े, ये पेड़ा सेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से समोसे या जो भी है स्वीट्स या जो भी आपको लेके जाना है लेके जा सकते हो, और खाने के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक स्पेस रखा हुआ है जहाँ बैठ के आप खा सकते हो। तो लोग समोसा लेके ऊपर जाके बैठ के खाएंगे, चलते देखते सुबह सुबह
ऐसा तो मैं खाता नहीं सुबह शाम से, तो फिर भी देखते हैं खा के कैसा लगता है। प्योर बोल रहे कि एकदम प्योर घी से बनाया हुआ है यहाँ पे समोसा, तो खा के देखते कैसा है यहाँ पे समोसा। मेरा हाथ अभी बिजी है, मामा जी पकड़ के लेके जा रहे हैं समोसे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्पेस बैठने की, यहाँ बैठ के आप खा सकते हो। चलिए सुबह सुबह समोसे खाना है, हम लोग सवेरे सवेरे आए हैं समोसे खाने के लिए। चलिए मामा जी खा रहे हैं समोसे, हम भी अब खाएंगे यहाँ पे। एक मिनट, मामा जी खा रहे हैं, देखिए समोसे कैसा लगा मामा जी, समोसा कैसा है? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मामा जी बोल रहे बढ़िया है, टेस्टी है, तो मैं भी खा के देखता हूँ कैसा है, टेस्टी है क्या क्या है। ऐसा तो मैं खाता नहीं है कभी, मैं भी आज खा के देख रहा हूँ कैसा है। खाने में तो बहुत ही लजीज है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया। सही में बहुत बढ़िया। क्या नाम था सबके? काका जी हलवाई, काका हलवाई, काका हलवाई। आप याद रखिए जो डगरू सेट्टी जो मंदिर है, मंदिर से ठीक 4 या 5 मिनट की दूरी पे ये है काका जी हलवाई। मैं आइए, यहाँ के जो मिठाई है या ये जो समोसा हम लोग खा रहे हैं एक बार खा के जाइए, क्योंकि पूना की ये फेमस जगह है। ज़रूर एक बार आपको पूना में आया तो यहाँ पे आना चाहिए, आइए एक बार। अभी हम लोग कचौरी खा रहे हैं मामा जी, कचौरी भी वैसे ही है, अभी देखते हैं कचौरी कैसा है, कैसा टेस्ट है इसकी, अगर खाने के बाद ही पता चलेगा कैसा टेस्ट है, खा के आपको बताते हैं। इतना खास नहीं था, जो समोसा खाया था गर्म था, लेकिन ये इतना कचौरी इतना खास नहीं था यहाँ का, तो फिर भी ये समोसा मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो है जो दुकान का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइमिंग है, कोई हॉलीडेज नहीं है, नो हॉलीडेज, सामने देखिए कोई हॉलीडेज नहीं है यहाँ। बिल पेमेंट करके हम लोग आगे निकल जाएंगे अभी, एक मिनट। यहाँ का सिस्टम है ये, आपको सामान लेके जाके पेमेंट करना था, मामा जी ने पहले पेमेंट कर दिया। तो सामने देखिए, अब हम लोग पेमेंट देख, पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। बैलेंस कालागन का बैलेंस रह गया था 160 रुपीस, तो 160 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना है। अभी 160 वापस उनको कालागन का पैसा देना है।
एक सिस्टम है यहाँ पे, टोकन है, टोकन जो आप लेके आओगे, टोकन लेके आओगे उसमें उन लोग वहाँ से कंप्यूटर में फिट कर देते हैं इतना पैसा हुआ इस टोकन का। तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं राजा राम देखने के लिए, राजा राम जो यहाँ पे गणपति मंडल है, गणपति मंडल हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसा। ये पूजा के लिए लाइन है अंदर, जो तो आगे निकलते हैं हम लोग राजा राम की ओर, नज़दीकी है, पैदल ही जाएंगे, पैदल ही चल के जाना है यहाँ से। ऐसा तो गर्दी है, अभी गर्दी बढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले उतना गर्दी नहीं था, अब धीरे धीरे गर्दी बढ़ते जाएंगे सामने। चलिए मार्केट एरिया है ये, पूना के बाजार एरिया है मार्केट। पूरे फ्लावर मार्केट है ये, मुझे लगता है यहाँ के फ्लावर मार्केट है। ये फ्लावर मार्केट है क्या? नहीं, गणपति के लिए फूलों के माला, हार, ये सब बिठाए हुए हैं यहाँ पे। ये खाली सिर्फ गणपति के पूजा के लिए यहाँ पे हार बिठाए हैं। कशी लावले हा कशी? 60 रुपये पाव। आणि गुलाब 80, गुलाब 80 रुपये है, और ये जो आपको गेंदा फूल दिख रहा है ये 60 रुपये पाव है। करीब करीब सेम ही होएगा, ये गणपति मंदिर के लिए है। राजा राम, राजा राम कुछ है का फूल है, क्या नाम है? कमल। हाँ कमल नहीं है, ये वन टाइप ऑफ लिली। ये पूजा का लाइन है जो आपको पूजा देना है सामने से। हाँ वो चरण स्पर्श, दिस इज कॉल्ड चरण स्पर्श, मुंबई में भी वैसे ही है। हाँ ये आप देखिए, अभी देखिए गर्दी कैसा है, वैसे ही है गर्दी, अभी वैसे ही गर्दी है। गर्दी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ के गर्दी है ये मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा है पब्लिक को, ये पूजा हो रहा है यहाँ पे, अभिषेक हो रहा है। और सामने दगलू साइड आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं बाहर हूँ, बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, देखें आपको दूर से दर्शन हो जाएगा। आपको अगर जूम करना है तो जूम करके भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये पब्लिक यहाँ से मैनेजेबल है, दोनों बाजू से आप लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट से निकल जाएंगे, फिर राइट से जाएंगे तो राइट से आपको निकाल दिया जाएगा क्राउड्स को। तो ये सिस्टम यहाँ के है, ओपन इसीलिए रखा गया कि कोई भी आके दर्शन करके बाहर निकल जाए। मुख दर्शन है, जैसे आपको लालबाग का राजा दिखाए थे, मुख दर्शन एक अलग है, चरण स्पर्श एक अलग है, सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही है। ये सिर्फ मुख दर्शन के लिए है, और चरण स्पर्श के लिए आपको मैं दूसरा जो लाइन दिखाया था वो चरण स्पर्श का लाइन था, उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। ये अभी का यहाँ का क्राउड, ये देखिए कैसा क्राउड है, दिखाई दे रहा है, ये क्राउड है यहाँ पे। कितने लोग हैं? हार्डली 400-500 लोग हैं बस, ये कुछ नहीं है। तो आप इसका मतलब कभी भी आओ, कभी भी आराम से देख सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा था कई हज़ार लोग होंगे, बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटा लगेंगे,
लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला नहीं कुछ नहीं, आराम से। हाँ ये मुझे नहीं मालूम इसके बाद दोपहर के बाद या बाद में कितने लोग आएंगे ये नहीं पता है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं आराम से देख के दर्शन करके जा सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखिए क्राउड तो आ रहा है, यहाँ भी मुंबई जैसे ही पूरा पहरा है। ये जो असली मंदिर है, जो यहाँ के जो दगडूसेठ के मंदिर है, वो आपको सामने में दिखा रहा हूँ वापस, जहाँ से हम लोग देख के गए थे। असली मंदिर ये है, दगडूसेठ की मंदिर। ये असली मंदिर, लेकिन यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट नहीं होगा इसी वजह से उनको ओपन रखा गया है। ये असली मंदिर, दूसरे समय पे जब आओगे तो यही मंदिर पे आपको आना पड़ेगा। ये दगडूसेठ के असली मंदिर है। कितने फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। ये दगडूसेठ को दिख रहा है, ये है असली मंदिर, आपको दिखाते हैं असली मंदिर ये है। देखिए यहाँ से जो मूर्ति था, यहाँ के मूर्ति को बाहर निकाल के लेके गए वहाँ पर। इसी जगह पे मूर्ति बैठा रहता था, यहाँ पे मूर्ति बिठाया जाता था, तो यहाँ से इनको ओपन लेके गया। यहाँ पे छोटा सा मूर्ति बिठाया जब दगडूसेठ की पूजा हो रहा है, आरती हो रहा है, और जो जो असली अब जो मूर्ति देख रहे हैं वो वहाँ पे लेके गया हुआ है, क्योंकि वहाँ क्राउड देख के बाहर निकल सकते हैं, यहाँ मैनेज करना तकलीफ होएगा, इसलिए उनको वहाँ लेके गए। चलते हैं राजाराम के उधर पैदल। क्राउड मैनेजमेंट यहाँ इजी हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो लालबाग का राजा है वहाँ के क्राउड मैनेजमेंट अलग है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, छोटा सा जगह पे उन्होंने किया हुआ है, और यहाँ ओपन स्पेस मिला है उनको, रास्ते के ऊपर ही मिला, इसलिए बहुत ही इजी हो गए यहाँ, यहाँ मैनेज करना इजी हो गया, वहाँ पे उतना मैनेज करना। लेकिन वहाँ बहुत ही सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताया था मैं लालबाग का राजा में दूसरी बार गया, बहुत अच्छा लगा मुझे उधर, इधर भी बहुत बढ़िया है, स्पेस है इनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं राजाराम मंडल।